और ये आपको बताएं कि अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत और केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कनैन कर रहे हैं। इस समाअत के हवाले से आपको करें तो अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हो रही है और केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कनैन कर रहे हैं और आज फर्द जुर्म आयद की जानी है। इस केस की समाअत के हवाले से आपको आगाह करें तो रावलपिंडी में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कनैन अडियाला जेल में केस की समाअत कर रहे हैं, जिसके लिए खसूसी अदालत के जज अडियाला जेल पहुँच चुके हैं, जबकि एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला भी पहुंच चुके हैं। अदालती कार्रवाई के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी अदालत में मौजूद हैं, जबकि वाज़ह रहे कि गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल भी फराहम कर दी गई थी और बताया गया था कि अगली समाअत पर इन पर फर्द जुर्म आयद की जानी है। 12 दिसंबर की तारीख यानी आज की तारीख दी गई थी। ये समाअत जारी है अडियाला जेल के अंदर। जज अबुल हसनात जुल्कनैन केस की समाअत कर रहे हैं और केस के हवाले से आपको अगर करें तो साइफर केस है जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद अब की जानी है। आज ये समाअत मुकर्रर की गई है और गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकुल भी फराहम कर दी गई थी। गुज़श्ता समाअत पर नकुल फराहम करने के अहकाम दिए गए थे और बताया गया था कि अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जानी है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत इस वक्त जारी है और केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कनैन कर रहे हैं।